लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज बारिश, अगले 5 दिनों तक जमकर बरसेंगे बड़रा। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। तेज बारिश का असर ट्रेन और सड़क यातायात पर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे पूरे महाराष्ट्र में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। कल्याण से अंबरनाथ और खोपाली जाने वाली सभी ट्रेनें कुछ समय के लिए रोक दी गई थी। हालांकि फिर से इनका संचालन शुरू कर दिया गया है, लेकिन इनकी रफ्तार कम कर दी गई है। इन रूट पर ट्रेनें 15 से 20 मिनट लेट चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है। तेज बारिश के कारण मुंबई गोवा हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। सावित्री नदी का पानी हाईवे पर आ गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे पूरे महाराष्ट्र में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई के कुछ इलाकों ठाणे और पालघर में तेज बारिश होगी। मध्य रेलवे के मुताबिक ट्रेन केवल कल्याण तक चलाई जा रही है। CST से कल्याण तक ट्रेन जा रही है, उसके बाद उसे रोक दिया जा रहा है। भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके कारण कई जगह पर रूट को भी डायवर्ट कर दिया गया है। रूट डायवर्ट होने से कई जगह पर जाम की शिकायत भी की जा रही है। महाराष्ट्र सिंचाई विभाग ने बताया कि उल्हास नदी में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। दिल्ली में उमस भरी सुबह। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार सुबह लोगों को उमस का सामना करना पड़ा और इस दौरान औसत तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य था। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आर्द्रता 70% दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान के 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री था।